Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 21st April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link aapko description box mein provided hai. Make sure video ko last tak dekhe so that sari important news aapke yahan par cover ho. To chaliye start karte hain aur dekhte hain aaj hame kya kya discuss karna. Now, our first article is सूरत कोर्ट ने यहाँ पर राहुल गांधी जी की जो एप्लीकेशन थी उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया. ओके, तो सूरत कोर्ट रिजेक्ट्स राहुल गांधी प्री फॉर स्टे ऑन कन्विक्शन. अब यहाँ पर जो कांग्रेस है वो फाइल करेगी फर्दर अपील करने जा रही है कहाँ, हाई कोर्ट में. सो देखिए आप यहाँ पे द कांग्रेस विल फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द सेशन कोर्ट्स जजमेंट रिजेक्टिंग राहुल गांधी एप्लीकेशन फॉर अ स्टे ऑन हिज कन्विक्शन. उन्हें कन्विक्शन प्रोवाइड कर दिया गया था और मतलब कि एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं उनको बेल मिल गई थी. बट ये सूरत कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, उनका जो कन्विक्शन था उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया. अब कांग्रेस यहाँ पे फर्दर हाई कोर्ट में अपील करने जा रही है अगेंस्ट दी सेशन कोर्ट ऑफ सूरत. ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज फाइव सोल्जर्स किल्ड एज मिलिटेंट्स अटैक आर्मी इन पूंछ. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक आर्मी व्हीकल था जिसमें यहाँ पे टेरर अटैक हुआ है मेहर इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन थर्सडे. तो थर्सडे को यहाँ पर जिसके कारण जो हमारे फाइव सोल्जर्स हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है ऑन द स्पॉट और जो अनादर मिलिटेंट्स थे वो यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं. ओके, तो फाइव सोल्जर्स वर किल्ड एंड अनादर इंजर्ड इन अ मेजर मिलिटेंट अटैक इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट और पीर पांजल वैली इन जम्मू. तो जो हमारी जम्मू में पीर पांजल वैली है, पीर पांजल वैली के जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये टेरर अटैक हुआ है जिसमें हमारे जो फाइव सोल्जर्स हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है और जो अनादर थे उनको वो इंजर्ड है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ न्यू एज फॉर द न्यू एज टू द फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. अब यहाँ पे इस आर्टिकल में मिले डिस्कस किया गया किसके बारे में, टीबी से. टीबी से हम किस तरीके से मतलब कि टीबी को किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एट द वन वर्ल्ड टीबी समिट इन वाराणसी उत्तर प्रदेश ऑन मार्च 24, 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्टिल फ्रेश एनर्जी टू द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन रिस्पॉन्स एंड रिलेट इंडिया कमिटमेंट टू स्प्रेड हेड द एफर्ट्स. अब यहाँ पर आप सभी को पता है मार्च 24 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल टीबी डे. ओके, अब इसी वहां पर उत्तर प्रदेश वाराणसी में समिट हुआ था, वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था जिसमें हमने ये कहा था कि इंडिया से हम टीबी को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. अगर हम इंडिया की बात करें हमारा जो एसडीजी गोल है, एसडीजी गोल में टीबी को एलिमिनेट करने की बात की गई है, उसका टारगेट है 2030 तक. बट इंडिया ने क्या टारगेट रखा है, इंडिया ने टारगेट रखा कि हम 2025 तक क्या कर देंगे, टीबी को इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरह से. ओके, तो ये इंडिया का टारगेट हो गया. अब देखिए इस आर्टिकल में मैंने ये डिस्कस किया गया है कि हम टीबी को किस तरीके से यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम अदर यहाँ पर डिसीजेस है, टीबी भी क्या है, बहुत ही एक मेजर डिसीज है जिससे यहाँ पर फाइट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमें न्यू स्ट्रेटजी की जरूरत होगी, न्यू फार्मूलाज की जरूरत होगी और नए तरीके की जरूरत होगी जिसके कारण हम जो हमारा ये डिजायर्ड आउटकम है उसको हम यहाँ पर अचीव कर पाएंगे. ओके, अब देखिए इसमें इन्होंने लिंक किया है इस आर्टिकल को किससे, कोविड-19 से. टीवी को और कोविड-19 को यहाँ पर लिंक किया गया है किस तरीके से कि हमने कोविड-19 जब ये पेंडेमिक आया था तो इंडिया ने कैसे एक्शंस लिए थे और हमने यहाँ पर आप देखेंगे विद इन वन एंड हाफ ईयर में हमने यहाँ पे कोविड की वैक्सीन लेकर आ गए थे. ओके, और पूरी इंडिया में हम पैन इंडिया में देखेंगे तो हमने मतलब कि ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन ऑफ द इंडियन आर वैक्सीनेटेड. ओके, तो टीवी के लिए हम ऐसा क्यों कुछ नहीं कर सकते. तो आप यहाँ पर पहले देखेंगे कि कोविड-19 क्या एक प्रोवाइड करता है कि हमारे पास क्या है, पूरा पोटेंशियल है, सिर्फ हमें उस पोटेंशियल को क्या करना है, यूटिलाइज करना है. जैसे कि हम देखेंगे कोविड-19 बाय ड्रॉइंग अपॉन द इनेट ह्यूमन स्पिरिट टू अडेप्ट लर्न एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन. तो हम कोविड-19 किससे हमें ये पता चला है कि हमारे पास क्या एक इनेट ह्यूमन है स्पिरिट टू अडेप्ट लर्न एक्सपेरिमेंट. हम चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नए नए इनोवेटिव तरीके सामने ला सकते हैं जिससे कि हम जो ये पेंडेमिक है, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक था उससे हमने फाइट किया, सब लोग एक साथ आए और हमने उससे फाइट किया और उसको यहाँ पर हरा दिया, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं. इसी तरीके से टीबी को भी एंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक साथ आना होगा. ओके, इसी के चलते इंडिया में वेरियस
सिग्निफिकेंट प्रोसेस भी हमने किया है, जैसे कि आप ऐसा कह सकते हैं नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवाइज नेशनल टीबी प्रोग्राम आया जिसमें हमने सेवरल मेजर्स किए हैं, जिससे हम सबसे पहले तो क्या करें, जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर फाइंड करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, और जब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है तो हम उसको क्या कर पाते हैं, उस चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। अब जब हमें पता ही नहीं कि हमें ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड डिसीज़ है, तो हम उसका उसका ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आता है, रिवाइज नेशनल टीवी जो एलिमिनेशन प्रोग्राम था उसको रिवाइज किया गया, जिसके कारण अब पता चला है जो हम 2014 में अगर आप देखेंगे तो 15.6 लाख हमारे पास केसेस थे टीवी के, एंड 2022 में हमारे पास 24 लाख केसेस हैं टीवी के। ओके, तो इस तरीके से मतलब हमारा जो डिटेक्शन मेजर्स है वो इम्प्रूव हुआ है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के जो पेशेंट्स हैं उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब हम टीवी के पेशेंट्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो हम उनको यहाँ पे अच्छा सा ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, पहले तो हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, अब हमने उन्हें अच्छे से डिटेक्ट कर लिया। फर्दर अगर हम देखें तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कहा गया कि पहले तो हमने क्या देखा कि हमने अच्छे से टीवी के पेशेंट को यहाँ पर डिटेक्ट किया। सेकंड पॉइंट आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देखिए COVID-19 के टाइम में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ आए थे, दोनों का यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ था, जिसके कारण हमने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाए हम। ओके, इसी के चलते हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो टीवी है ये जो टीवी में भी हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट यहाँ पर ला सकते हैं, इनको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके कारण जो हमारा सपोर्ट का एक सोशल सपोर्ट प्रोविजन है उसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, जो न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, न्यू ड्रग्स रिजीम्स हैं उनको यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके कारण जो टीवी का मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, अभी इसमें ये कहा गया ऑल दो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर लोगों के पास क्या है, लोगों को अगर ठीक है किसी भी पर्सन को पता है कि हाँ मुझे टीवी है, बट वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन को ये पता है कि उसको टीवी है, बट उसकी उसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है कि वो पर्सन टीवी का जो ट्रीटमेंट है वो करवाता ही नहीं है, है ना। तो मतलब हमें ये इंश्योर करना है कि हम क्या करें, एक्सेस टू क्वालिटी केयर कंटिन्यू टू बी अ चैलेंज। द रीसेंट नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे इन इंडिया फाउंड दैट 64% ऑफ द पीपल विद इन्फेक्शियस टीबी डिड नॉट सीक केयर। अब यहाँ पर रिसेंट यहाँ पे सर्वे हुआ था, नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे, इसमें ये पाया गया कि 64% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया टीबी से इन्फेक्टेड है, बट उन वो मतलब कि केयर के लिए सीक नहीं कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट नेशनल लेवल एस्टिमेट सजेस्ट दैट द एवरी पर्सन नोटिफाइड विद टीबी वी मिस डिटेक्शन ऑलमोस्ट 2 more cases। टू एड्रेस दिस चैलेंज ट्रूली ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन अवर टीबी रिस्पॉन्स एफर्ट वी नीड विल नीड टू इंट्रोड्यूस डिस्ट्रप्टिव अप्रोचेस एंड न्यू टूल्स टू चेंज द वे वी प्रिवेंट डायग्नोस। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम जो ये डायग्नोस कर रहे हैं तो उसका जो तरीका उसको चेंज करना होगा, और टीवी को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उसको चेंज करना होगा। नेक्स्ट इसमें बात की गई किसकी, वैक्सीन की बात करेगी। अब वैक्सीन जब हम कोविड की बात करते हैं, COVID-19 में हमने 1.5 years में क्या कर लिया था, वैक्सीन को यहाँ पर बना लिया था, है ना, वैक्सीन को बना लिया था। बट अगर हम टीवी की बात करते हैं तो टीवी में स्टिल हमारे पास, आप सभी को पता है टीवी के बारे में हमें पता है, बट स्टिल हमारे पास यहाँ पर एक इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है टीवी के लिए, है ना। मतलब कि आप देखेंगे एडल्ट्स के लिए, जो एडल्सन्स के एज पर जब हम आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक एडल्ट्स और एडोलेसेंट की जो स्टेज पर आते हैं तो उस टाइम के लिए हमारे पास यहाँ पर इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक इफेक्टिव वैक्सीन को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। इसके लिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोलैबोरेशन हो सकता है बिटवीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जब तक इस सेक्टर में नहीं आएगा, इस स्फीयर में नहीं आएगा, तब तक हमारे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना होगा। हमें यहाँ पे मेनली क्या कहा गया है कि देखिए जो टीवी वैक्सीन है उसको यहाँ पे जो उसका ट्रायल उसको प्रायोरिटाइज करना होगा। पहले तो हमें सबसे पहले हमारे पास एक वैक्सीन है, क्या BCG वैक्सीन फॉर टीवी, बट इट डज नॉट एडिक्वेट प्रोटेक्ट एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स। ये मतलब जो हमारे एडोलसेंट्स हैं एंड एडल्ट्स हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करता। ये जो हमारा हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीवी है, स्प्रेड ऑफ टीवी है, उसको यहाँ पर ये प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वैक्सीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। सेकेंड इसमें बात की गई किसकी, टेस्टिंग फॉर डायग्नाइजिंग टीवी नीड्स टू बिकम मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। हमें यहाँ पर जो टीवी का
टीवी को जो हम उसकी टेस्टिंग होती है उसको मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, और आप ऐसा कह सकते हैं जो सिम्टम्स हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो यहाँ पे पुअर पीपल हैं, अगर उनको टीवी होता भी है तो वो चीज़ों को मतलब कि जो फैसिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते, उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं कि वो वहाँ पर टेस्टिंग करवाएं कि उन्हें यहाँ पे टीबी से वो डायग्नोस्ड हैं या फिर नहीं है। ओके, इसके लिए यहाँ पर देखेंगे मतलब कि जो हमारा कॉस्ट है उसको, टेस्ट का जो कॉस्ट है टीवी वर्क, आप ऐसा कह सकते हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए जो टेस्ट का कॉस्ट है उसको यहाँ पर मिनिमम कर सकते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सके, टेस्टिंग करवा सके और जो उसके इफेक्टिव मेजर्स हैं उसका ट्रीटमेंट है उसको फर्दर आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट देखिए, इसी में कहा गया कि जैसे कि हमने यहाँ पर कोविड के टाइम पे क्या किया था, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट और होम बेस्ड यहाँ पे टेस्ट किया था, जिसमें कोविड में अलाउ किया था, जिसमें हम यहाँ पर क्या करते थे, होम घर घर जाकर लोगों का टेस्ट किया जाता था, है ना। टंग स्वैब टेस्ट फॉर टीबी कैन अ गेम चेंज फॉर रिड्यूसिंग डायग्नोस्टिक डिलीज, तो डायग्नोस्टिक डिलीज को हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि टंग स्वैब टेस्ट होते थे। तो मतलब वेरियस यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करके, जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनका यूज करके क्या कर सकते हैं, जो ये टीवी को डायग्नोस्टिक करने में जो डिले होता है उसको यहाँ पर कम किया, रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें बात की गई किसकी, हमें यहाँ पे थर्ड, डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू थेरेप्यूटिक मॉलिक्यूल कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द लॉन्ग रन। हम देखिए यहाँ पे हमारा वैक्सीन हम डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग का जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो ड्रग्स हैं उसका भी क्या करना होगा, एक डेवलपमेंट और न्यू ड्रग्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि जो ड्रग्स हैं लॉन्ग रन में वही क्या करते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें ये कहा गया कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि इसमें ड्रग जो डिस्कवरी है उसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो मोस्ट इफेक्टिव रेजिमेंस एंड ऑल्सो डिप इंटू आर आर्मनी टू रीपर्पज एग्जिस्टिंग ड्रग फॉर टीवी। यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उनको यहाँ पे रीपर्पज के लिए यूज करना चाहिए, शॉर्टर सेफर एंड मोस्ट इफेक्टिव रीजन्स टू एग्जिस्ट एंड इंक्लूड द 1HP रीजन। यहाँ पे जो वेरियस ड्रग्स हैं तो इनको यहाँ पर आपको बनाना चाहिए और फर्दर यहाँ पर हमें इसमें इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट इसमें बात की गई कि ठीक है हम यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सामने आना होगा और एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आना होगा। इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोडक्ट्स डेवलपर हैं, क्लिनिकल रिसर्चर्स हैं, तो अक्रॉस दी कंट्री जितने भी पीपल हैं उनको यहाँ पे कोलैबोरेशन, एक ग्रेट कोलैबोरेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण हम यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क ला सकते हैं और टीवी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, इंडिया के पास एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, वाइल जैसे कि हमारे पास अभी क्या है, G20 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया हैज अनदर हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर दैट क्रिएट इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को यहाँ पर एक इक्विटेबल एक्सेस की तरफ बना सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया का क्या है, एक विजन है 1 Earth 1 Health, है ना, जिसमें हमने वर्ल्ड टीवी समिट हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें हमने क्या विजन रखा था कि 1 Earth 1 Health, तो जो हेल्थ है, हेल्थ आर्किटेक्चर है वो सभी के लिए कैसा हो, एक्सेसिबल हो। ओके, इसी के चलते इंडिया में वेरियस प्रोग्राम्स भी लेकर आए गए हैं, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त प्रोग्राम, जिसमें हमने टारगेट रखा है क्या कि 2025 तक पूरी तरीके से हम क्या कर देंगे, इंडिया से टीवी को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कर देंगे इन द सेंस ये नहीं कि आपकी इंडिया में मतलब कि किसी भी कंट्री में जीरो केसेस होंगे, इट मीन्स मतलब कि जो नंबर ऑफ केसेस होंगे वो मतलब कि एकदम मिनिमम होंगे, बहुत ही कम होंगे। ओके, और सेकेंड हमने यहाँ पे क्या किया था, निक्षय पोषण योजना, आपको अगर याद होगा ये, जिसमें हमने ये क्या किया था कि जो पेशेंट्स हैं, कोई भी पेशेंट चाहे टीबी के पेशेंट्स हो या फिर कोई भी अदर इंडिविजुअल पेशेंट्स हैं जिनको कोई ऐसी डिसीज़ है जिसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है मतलब कि जो रिच पीपल है वो क्या कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और उनकी जो पूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसको यहाँ पे फैसिलिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निक्षय प्रोग्राम भी लेकर आया, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान भी हम लेकर आए कि हम क्या करेंगे, जो लोकल लेवल है ग्राम पंचायत से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना जो टारगेट है, क्योंकि अगर हम देखिए हर एक ग्राम पंचायत में अगर एक भी पर्सन नहीं होगा टीवी का तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक लेवल से ही क्या होगा, हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट है 2025 तक उसको हम अचीव कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज नंबर गेम। इस आर्टिकल को हमने कल ही डिस्कस किया था और फिर से ये आर्टिकल हमारे सामने आ गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो अगर हम देख रहे हैं क्या,
एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है, यूएन के थ्रू ये रिपोर्ट निकाली गई है, और उसमें ये कहा गया कि 2023 तक, 2023 तक इंडिया क्या कर देगा, चाइना को सरपास कर देगा इन द पॉपुलेशन. ओके, ये हमने कल डिस्कस किया था. उसके बाद हमने इसमें कई चैलेंजेस भी देखे थे कि क्या हो रहा है कि ठीक है इंडिया उसको सरपास कर रहा है, बट इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज से यहाँ पर फर्दर हमारे पास वेरियस चैलेंजेस भी आते हैं, उसको कैसे टैकल किया जाएगा उसके बारे में इसमें बात की गई है. इसमें एक चीज़ और कही गई है कि ऑल दो यहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, इंडिया आज के टाइम पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलर कंट्री यहाँ पर बन चुका है, बट स्टिल ये जो ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कैसी है, कम हो रही है. मतलब जो पॉपुलेशन रेट होनी चाहिए, हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आइडियली कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, बट इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 2.0 है. ये हमारे लिए क्या बन गया है, थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हैं कि कंसर्न वाला यहाँ पर टॉपिक बन गया. क्यों? क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अगर वो कम होती, 2.1 आइडियली जो हमारा 2.1 है अगर इससे कम होती है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी कंट्री में क्या है, जो ओल्डर पॉपुलेशन, ओल्डर पॉपुलेशन है उनका नंबर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है. आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, चाइना एंड जापान का. वहां पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, इवन वन की लाइन में 1.5 एंड 1.7. ओके, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चाइना एंड जापान में जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है. और जब ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वो कंट्री के लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, और हमें यहाँ पर उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है, जो कि एक तरीके से हमारी इकॉनमी के लिए, किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता है. इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 2.0% है टोटल फर्टिलिटी रेट. ओके, अब ये अगर और कम होता है, एट प्रेजेंट अगर देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, यंगर पॉपुलेशन है. अब इस यंगर पॉपुलेशन को हमें क्या करना होगा, यूटिलाइज करना होगा अच्छे तरीके से, जिससे वो क्या बन सकते हैं, हमारे लिए यहाँ पर, हमारी कंट्री के लिए एज अ एसेट वर्क कर सकते हैं. अगर उन्हें हमारी जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा. पॉपुलेशन पर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, इट मीन्स हम उनकी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, हम उनको स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, इससे क्या होगा, और ज़्यादा क्या होगा, उनका पार्टिसिपेशन होगा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, यहाँ पे रोबस्ट करेगी, यहाँ पर ग्रो करेगी. जैसे कि हम यहाँ पे चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं. चाइना में मतलब कि ये जो फेस है, यंगर जनरेशन का जो फेस है, ये हर कंट्री के साथ आता है, चाइना के साथ भी आया था. चाइना ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहा है. ओके, तो इंडिया को भी इसमें बात की गई कि इंडिया को भी यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो पॉपुलेशन है इसको एज अ एसेट यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा. मोर एंड मोर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, स्किल प्रोवाइड करेंगे, आप उनके हेल्थ फैसिलिटीज पर प्रोवाइड करिए, जिससे यहाँ पर अगर उन पे स्किल डेवलप होंगी तो वो हमारे लिए एज अ एसेट यहाँ पर वर्क कर सकते हैं. ओके, तो देखिए इसमें ये पूरा मतलब कि आप डेटा एक तरीके से देख सकते हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं. तो इंडिया की यहाँ पे पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो अभी भी क्या है, कम है. ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे, डेब्ट टू बी अ लो रिप्लेसमेंट लेवल एट 2.1, इंडिया पॉपुलेशन इज फोरकास्ट टू ग्रो फ्रॉम इट्स करेंट 1.4 बिलियन टू 1.67 बिलियन इन 2050 बिफोर सेटलिंग एट 1.53 बिलियन इन 2100. ओके, तो उसमें बस यही कहा गया कि अब देखिए पॉपुलेशन के यहाँ पे एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना चाहिए तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बट हर कंट्री के लिए मतलब हम पॉपुलेशन को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको एज अ एसेट यहाँ पर ले सकते हैं, वो एक कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन पर. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल फिर से वही जो स्ट्रेट डॉग्स हैं उनके बारे में बताया गया है. इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है किसके बारे में, जो हमारा जो नोटिफिकेशन रिवाइज आप कह सकते हैं अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, किस पर, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023. अब इस रूल्स में देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये बताया कि 36% ऑफ वर्ल्ड एंड 65% ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रेबिस डेथ हैपन इन इंडिया. इंडिया की बात करते हैं, इवन ओवर जो WHO है उन्होंने यहाँ पे डेटा रिलीज किया है कि अगर हम वर्ल्ड में देखें तो 36% एंड साउथ ईस्ट की बात करते हैं और इंडिया में बात करते हैं तो 65% ऑफ जो पर्सन है उनकी यहाँ पे डेथ हो रही है ड्यू टू रेबिस. जो रेबीज है इसके कारण यहाँ पे डेथ हो रही है. और ये रेबीज किसके कारण होता है, जब यहाँ पे ये जो एनिमल्स होते हैं आप ऐसे कह सकते हैं जो स्ट्रेट डॉग्स हैं, जब ये यहाँ पर आपको यहाँ पे बाइट करते हैं तो उनका जो सलाइवा होता है हमारी बॉडी में एंटर करता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें रेबीज होता है.
ओके इसी के चलते यहाँ पर हमने देखा कि जो वेरियस अटैक्स भी हो रहे हैं, हमने यहाँ पर टोटल देखे कि नेशनल रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज रिकॉर्डेड 6,644 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस एंड डेथ ऑफ ह्यूमन रेबीज इन 2012 टू 2022 से 2022 तक यहाँ पर ये जो पूरा डेटा आया है रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम, उन्होंने ये रिकॉर्ड किया कितने 6,644 जो क्लिनिकली सस्पेक्टेड केस हमारे सामने आए हैं, जिसमें यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स की डेथ हुई है ड्यू टू रेबीज। ओके यहाँ पर हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जो अटैक है स्ट्रेट डॉग्स का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है चिल्ड्रंस के ऊपर, इवन जो हमारी ओल्डर पीपल है उनके ऊपर भी। ओके अब यहाँ पर 18 अप्रैल को गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफिकेशन अनाउंस किए हैं किसके ऊपर, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। ये पहले जो अर्लियर हमारा कौन सा रूल था, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001, इसमें यहाँ पे रिवाइज किया। इसमें इन्होंने ये कहा है कि तीन मेन आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने, कौन कौन से, स्ट्रे डॉग्स कैन नॉट बी रिलोकेटेड, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको रिलोकेट नहीं करना है कि आप जैसे कि ये पर्टिकुलर कोई एरिया है अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं आप इसको यहाँ पे रिलोकेट कर रहे हैं दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पहला काम आपको ये नहीं करना है। सेकेंड इसमें कहा है कि इंडिया हेल्ड एंड मस्ट नॉट फेस क्रुएल्टी, जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो कोई भी क्रुएल्टी को फेस ना करें, या फिर जैसे कि मास किलिंग की हम बात करते हैं कि हम इनकी मास किलिंग कर दें तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड इसमें बात की गई कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको यहाँ पे केयर भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करना है, इस चीज को यहाँ पर टैकल करना है, तो उनको यहाँ पे केयर भी प्रोवाइड करना है। तो ये तीन पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए कि जो हमारा जो न्यू एबीसी रूल आया है, एबीसी रिवाइज रूल है उसमें। ओके अब यहाँ पर हमारे लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो फिर हम आगे फर्दर क्या करें, तो उसमें ये कहा गया कि आप क्या करेंगे, जो ये जो हमारे 2023 के रूल्स हैं इसमें इन्होंने कहा आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको यहाँ पे पकड़िए, मतलब उनको यहाँ पे कैच करिए, उसके बाद उनको वैक्सीनेट करिए और न्यूट्रेट करिए, उसको वैक्सीनेशन पूरा प्रोग्राम सारी चीज़ें करें, उसके बाद उनको फिर से जहाँ से उनको आपने यहाँ पे कैच किया है उसको यहाँ पे उनको रिलीज कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर देखा। ओके उन्होंने सिर्फ हमें कहा आपको यहाँ पे ये कहा कि जो मास किलिंग नहीं करना है हमें, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं करना, और यहाँ पर देखिए ये जो प्रोविज़न था पहले जो हमारा एबीसी 2001 का यहाँ पे रूल था उसमें भी था, बट इसको यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया है, जिसके कारण हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ये केसेस हैं और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। 2023 के रूल में ऑल्सो यहाँ पे कहा कि जो रेसिडेंट्स हैं वेलफेयर एसोसिएशन हैं वो भी क्या करें, जो स्ट्रेट डॉग्स हैं उसको यहाँ पर उनकी केयर करें, उन्हें फीड करें, और चिल्ड्रंस और जो एल्डर पीपल हैं उनसे यहाँ पे दूर रखा जाए, और यहाँ पे एक फिक्स इंटरवल होना चाहिए कि कब यहाँ पे जो स्ट्रेट डॉग्स हैं उनको यहाँ पे सामने लेकर आना है, मतलब कि आपको मतलब कि इंटरवल इन द सेंस कि आपको कितनी दूर तक, जैसे कि आपके घर के आसपास कोई डॉग्स हैं तो आप उनको वहाँ पर फीड ना करें, क्योंकि वो फिर हमारे लिए क्या बन सकता है, हमारे लिए वो यहाँ पे कंसर्न के लिए बन सकता है। ओके तो जैसे कि जो लोग यहाँ पे डॉग्स को यहाँ पे फीड करते हैं उनसे भी ये कहा है कि आप जब उन्हें फीड करें तो आप ये इंश्योर करें कि जो डॉग्स हैं आप जितने डॉग्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्या वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं और उनके बिहेवियर में कुछ चेंज लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं म्यूनसिपैलिटीज होते हैं वहाँ पर उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमें क्या देखने को मिल सकता है, जो केसेस हैं वो कम होते हुए नज़र आ सकते हैं। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें सिर्फ इतनी ही बातें थी, हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये आर्टिकल द ऑलिव ब्रांच इफेक्ट ऑफ द ब्रीजिंग एकॉर्ड, अब यहाँ पे ये हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, सऊदी अरेबिया जो ईस्ट गल्फ कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं अपने जो रिलेशन से, पहले हमें क्या देखने को मिलता था, इस रीजन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, हर एक कंट्री एक दूसरे से यहाँ पे वॉर में या प्रॉक्सी वॉर में इंडल्ज होती थी। अब धीरे धीरे क्या हो रही है, जैसे कि अभी हमने देखा कि चाइना ने क्या किया है, ईरान एंड सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन से यहाँ पे एग्रीमेंट उनके बीच में साइन करवाए, अब जहाँ पहले हमें वॉर दिखता था अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिनिस्टर्स के बीच का जो एक तरीके से आप ऐसा देख सकते हैं कि रीजनल लैंडस्केप इज विटनेसिंग नॉट वॉर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन बट मिनिस्टर्स एंड डिप्लोमेट्स डैशिंग फ्रॉम वन कैपिटल टू अनदर टू डिस्कस इनिशिएटिव टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो उसमें बस ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता था, अब यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं अपनी जो प्रमोट करना चाहती हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूएस बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, चाइना भी यहाँ पे क्या हो रहा है सामने आ रहा है, तो उन्हें अब लग रहा है कि अब उन्हें क्या करना, जैसे कि अफगानिस्तान से चाइना यूएस ने अपने आप को पुल आउट कर लिया है ना, अपनी वहाँ पे जो मिलिट्री थे उसको वहां से हटा लिया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है इस रीजन में भी जो सिक्योरिटी का कंसर्न है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि यूएस क्या करता है, जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड
एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ओके तो वहाँ पे यूएस के ऊपर से जो एक ट्रस्ट है वो एक धीरे धीरे से यहाँ पे डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब जो कंट्रीज हैं अब ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे कोऑपरेटिव बन रही हैं और पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन यहाँ पे मेंटेन करने की बात की जा रही है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO मेंबर्स मस्ट पूल रिसोर्सेज एक्सपर्टीज ऑन डिजास्टर रेजिलेंस। अब यहाँ पे SCO जो है संघाई कोऑपरेशन, इसकी यहाँ पे मीटिंग होने वाली है और इसकी जो प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखेंगे पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो टू अटेंड SCO मीटिंग इन इंडिया नेक्स्ट मंथ। जो नेक्स्ट मंथ हमारी ये SCO की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, इसमें यहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उसको अटेंड करने वाले हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए G20 है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए SCO भी है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो कैसे हैं। इसलिए किसी भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का या फिर कोई भी मिनिस्टर का इंडिया में आना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO की बात करते हैं, अभी यहाँ पे जो मेंबर्स ये कहा गया है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ कॉल्ड अपॉन द नेशंस ऑफ संघाई कॉपरेशन टू अडॉप्ट अ कलेक्टिव अप्रोच टू डिजास्टर रेजिलेंस बाय पूलिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज एंड अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पर ये कहा गया है कि मतलब जो हमारे एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं डिजास्टर रेजिलेंस है, जो जो हमारे यहाँ पे इश्यूज हैं वहाँ पर जो SCO के मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं एक्सपर्टीज है उसका एक पूल बना सकते हैं। पूल इन द सेंस कि जो जो उनके फॉर एग्जांपल जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, इंडिया है, रशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान, ठीक है, ये मेंबर्स हैं, ये मीटिंग को यहाँ पे वर्चुअली यहाँ पे अटेंड करेंगे। ओके अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये पूरे 8 मेंबर्स हैं, जो पूरे 8 ब्लॉक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सपर्टीज है, हर कंट्रीज के पास कुछ कुछ रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उन सभी का एक पूल बना सकते हैं और जितना भी जो डिजास्टर हमारे सामने आ रहा है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उससे हम यहाँ पे सामने उसको फेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये जो एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं, जो एफर्ट्स हैं हम ऑलरेडी जो एफर्ट्स ले चुके हैं, हमने जो काम पहले कर चुका है उसको हमें मतलब कि फिर से नहीं आपको दोहराना है, है ना, हमें यहाँ पे कुछ जो नए तरीके हैं उनको सामने लेकर आना है। ओके अब देखिए SCO हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे देखें तो SCO क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। SCO की बात करते हैं तो 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, SCO रिप्रेजेंट करता है। GDP की बात करते हैं तो 25% ऑफ जो वर्ल्ड GDP है कौन रिप्रेजेंट करता है, SCO रिप्रेजेंट करता है। और वर्ल्ड का टोटल लैंड देखें, टोटल लैंड एरिया, तो 22% ऑफ वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया कौन रिप्रेजेंट करता है, जो SCO के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बिलीव करता है। तो इंडिया बिलीव दैट नो हजार्ड इज स्मॉल और बिग एंड इट डज नॉट लीव एनी वन बिहाइंड। मिस्टर शाह सेड एड्रेसिंग द इंडिया नाउ हैज मोर एक्यूरेट एंड टाइमली अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ड्रॉट, फूड, फ्लड, लाइटनिंग, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स एंड साइक्लोन्स। तो जितने भी यहाँ पर आपके जो डिजास्टर्स हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, लाइटनिंग हो गई, ड्रॉट्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, कोल्ड वेव्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, तो इनसे हमें एक मोर एक्यूरेट एंड टाइमली और अर्ली वार्निंग सिस्टम की यहाँ पे जरूरत है। इसलिए यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं तो उनके जो जो रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हमें पूल करना होगा, एक तरीके से एक पूल बनाना होगा और यहाँ पर सामने इंप्लीमेंट करना होगा। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। SCO के बारे में हम देख लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इट वॉज क्रिएटेड इन 2001। SCO चार्टर वॉज साइन इन 2002 एंड एंटर इन टू द फोर्स 2003। इसका जो चार्टर है 2002 में साइन हुआ था और 2003 में ये हमारे फोर्थ में आया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, नेबर रिलेंस अमंग द मेंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। इफेक्टिव कॉपरेशन, मतलब पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमिक, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर में एक इफेक्टिव कॉपरेशन होना चाहिए, उसको प्रमोट करना है। हमारे जो टाइज हैं, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यहाँ पर हमारे जो टाइज उनको इन्हेंस करना है। मेंटेन इंश्योर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें 9 मेंबर्स हैं,
चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान अभी न्यूली यहाँ पे एडेड मेंबर है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसको अभी अभी यहाँ पर ऐड किया गया है, न्यूली एडेड मेंबर है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया एससीओ के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं IAF टू ज्वाइन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन ग्रीन। अब यहाँ पर जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज INIOCHOS 23 एज अ म्यूचुअल नेशनल एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय ग्रीस एयर फोर्स ऑन अप्रैल 2024 टू मई 4। यहाँ पे ग्रीस के थ्रू क्या किया गया है, एयर एक्सरसाइज को यहाँ पे होस्ट किया गया है, जिसमें यहाँ पे हमारी इंडियन एयर फोर्स है उसको यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। इस एक्सरसाइज का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है INIOCHOS 23। ओके, इससे पहले भी हमने देखा था यूएस के साथ हमारे यहाँ पर कोप एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में यहाँ पे चल रही है, जिसमें यहाँ पे जापान जो था एज अ ऑब्जर्वर स्टेट था। ओके, और अभी फिलहाल ये आपके लिए प्रीलिम फिक्स यहाँ पे बन चुका है। तो जो ग्रीस इस एक्सरसाइज को यहाँ पे होस्ट कर रहा है और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है इस मिलिट्री एक्सरसाइज को, ये जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है इसको यहाँ पर ज्वाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट प्लान्स 100 ईट राइट फूड स्ट्रीट्स अक्रॉस इंडिया। अब यहाँ पर जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर उनका एक कोलैबोरेशन हुआ है। उन्होंने इसमें ये कहा जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। 100 फूड स्ट्रीट्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा इन 100 डिस्ट्रिक्ट। इसका जो मेन एम ये है टू इंकरेज सेफ एंड हेल्दी प्रैक्टिस टू रिड्यूस फूड बॉर्न इलनेस। फूड के कारण यहाँ पे जो इलनेस होती है ना, तो उसके लिए जो सेफ हेल्दी प्रैक्टिसेस को यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा, जिससे हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके आउटकम्स में इंप्रूव होगा। ओके, द कम्युनिकेशन फर्दर सेड दैट सेफ फूड प्रैक्टिस वुड नॉट ओनली बूस्ट द ईट राइट कैंपेन एंड फूड सेफ्टी वुड ऑल्सो इंप्रूव द हाइजीन क्रेडिबिलिटी ऑफ लोकल फूड बिजनेसेस। यहाँ पे जो भी आप सभी को पता है जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, हमारे स्ट्रीट फूड्स होते हैं, तो वहाँ पर हाइजीन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और जो ईट राइट कैंपेन है उसको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को लेकर आया गया है। कि देखिए हम जो हमारे आप ऐसा कह सकते हैं जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट उसमें कितना ज़्यादा हाइजीन का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। कई बार जब हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा फूड बॉर्न कुछ इलनेस हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा जो डिसीजेस हैं उसको यहाँ पे फेस करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने यहाँ पे जो 100 फूड स्ट्रीट्स हैं उनको यहाँ पर 100 डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करने की बात की है, जिसमें हम हाइजीन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे, सेफ कल्चर ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज स्पेस एक्स अनक्रूड स्टारशिप एक्सप्लोड शॉर्टली आफ्टर लिफ्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है स्टारशिप क्या है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। इसको यहाँ पे बिल्ड किया गया किसके थ्रू, स्पेस एक्स के थ्रू। आपको यहाँ पे ये याद रखना है स्पेस एक्स ये एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। स्पेस एक्स प्राइवेट एंटिटी है, एलोन मस्क, आप सभी को ये पता होगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टारशिप द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ड एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट। इसकी यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट हुई थी कल ही, और यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पे लिफ्ट ऑफ किया, जब इसको लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हो गया। ओके, तो बट इसमें यहाँ पर इस पर उन्होंने ये कहा, कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने अपने मेंबर्स को, उनकी जो टीम थी उन्होंने ये कहा कि ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो देखिए स्टारशिप से हम यहाँ पर जो मून और मार्स है उसके बियॉन्ड जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पर मून एंड मार्स से भी दूर, मतलब कि अब तक हम मून एंड मार्स पर तो जा चुके हैं बट इसके बियॉन्ड भी हमें क्या करना है, जाना है। तो इसी के चलते यहाँ पे ये स्पेसएक्स का प्रोग्राम था स्टारशिप, बट यहाँ पे इसमें जो उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो यहाँ पे एक्सप्लोड हो चुकी है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए नासा ने भी यहाँ पे पिकअप किया था स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट टू फेरी एस्ट्रोनॉट्स टू द मून इन लेट 2025, अ मिशन नोन एज आर्टिमिस 3 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द अपोलो प्रोग्राम एंडेड इन 1972। यहाँ पे नासा ने भी क्या किया था, स्टारशिप जो स्पेस क्राफ्ट है उसको यहाँ पे पिकअप किया था, जिसमें वो क्या करना चाहते थे, 2025 तक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पे मून में भेजने की बात की जा रही थी। इस मिशन का नाम क्या है, आर्टिमिस 3, आपको ये याद रखना है, ये एक फैक्ट की तरह आपके सामने आ सकता है। इससे पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम था, कौन सा, अपोलो प्रोग्राम, ये 1972 में इसको एंड कर दिया गया था। अब यहाँ पर स्टारशिप की बात आ रही कि इसमें हम क्या करेंगे, जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया जाएगा मून एंड मार्स में। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज हमारे पास इतने ही आर्टिकल थे, हमने इनको यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।